One team, please come. Kavya. Hello. गिर जाएगा माइक तेरा पहली बात तो यह है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट इन्होंने चुना है। मैं यहाँ हूँ कि विक्रमादित्य की वजह से हूँ और केवल जी की वजह से हूँ और ये कॉज की वजह से हूँ क्योंकि कॉज मेरे बहुत दिल के नज़दीक है। आपको पता होगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरी खुद की फाउंडेशन है, तो हम ऐसे कॉजेस पे काम करते आ रहे हैं। और डेफिनेटली अगर फिल्में होती है तो फिल्मों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और बहुत लाउड मैसेज जाता है, और इन्होंने इस कॉज के बारे में सोचा है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर एक मेंबर को और इस फिल्म को कि ये बहुत बहुत अच्छी चले। और आप सभी को दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी थिएटर में जाके इसको देखें क्योंकि ये कॉज तो है ही और सबके दिलों में हमारे लिए अगर इनके ये कॉज के लिए हमदर्दी है या कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर इस फिल्म के ज़रिए किसी न किसी के दिल को वो छुएगी और हमारे अंदर कुछ न भावना जागृत हो सकती है कि हम ऐसे कॉज के लिए हमको सपोर्ट करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली फिल्म कैसे बनी है, अगर डॉक्यूमेंट्री तौर पर अगर फिल्में बनती है तो मैं मानती हूँ कि उसको प्रीचिंग के तौर पे बोला जाता है, तो शायद लोगों को अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती है तो कम लोग देखते हैं। पर जिनको जेन्युइनली कॉज के बारे में अगर आत्मीयता है तो वो जाके ज़रूर देखेगा, और जिनको ज़रूर लगता है कि ये फिल्म एक अच्छी प्रयास से बनी है जो कि फिल्म मेकर है, हमारे जैसे कॉज से रिलेटेड भी लोग हैं, सोशल वर्कर और फिल्म मेकर भी है, तो हम तो ज़रूर देखते हैं ऐसी फिल्में कि जिसमें क्या दिखाया है और कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचती है। तो फिल्मों के ज़रिए कॉज दिखाना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत जल्दी पहुंचती है, तो उसको एंटरटेनमेंट का भी ज़रिया लिया है। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज एंड एंटरटेनमेंट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा, ऐसी कॉन्फ्रेंस ले लूँगी मैं और बहुत ही जल्द डिक्लेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक आपने बोला सर आई डोंट वांट टू ब्लॉक देम, जी 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 लुक सेंटर में रख रहा हूँ, आंसर आपको दे रहा हूँ सर। एज ए फिल्म मेकर हमारा रोल है ये कि जिस सब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर फिल्म बनाएं। इट इज़ अप टू द ऑडियंस कि वो इस बात को किस तरह से एक्सेप्ट करती है। सो एज ए फिल्म मेकर दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमने एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट को उठाया है और उसको आप तक लाने की भरपूर कोशिश की है। I hope you guys like it and appreciate it. Anish ji, आपने स्कूल में जो किरदार निभाया, किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि आपको देवानंद साहब ने चार्जशीट में लॉन्च किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? किरदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं देव साहब के बारे में बोलूँगा कि देव साहब के बारे में बात करना जैसे समझो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और ये आयरॉनिकल है कि देव साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनकी लास्ट फिल्म चार्जशीट में, और ये 2023 उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू देवानंद साहब। दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू देव साहब। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अनीश जी हैं, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में एवरी वन नोज कि हम बड़े बड़े कमर्शियल फिल्म्स बना रहे हैं, पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोशल काज के लिए मूवी बनाई। आई विल प्राउड ऑफ अनीश जी कि मैच बॉक्स के पार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे हम बड़ी बड़ी मूवियाँ बना रहे हैं। आने वाली मैरी क्रिसमस भी है, लेकिन ये उनके पार्टनर भी हैं मैच बॉक्स के, लेकिन ये इन्होंने सोशल काज के लिए बनाई इनका वो। थैंक यू। I would like to say Neeta Mohindra ma'am, if you could just come up. She has very important role in this film. In fact, film की leading artist madam है, हम लोग सब side में हैं. That's okay. नहीं, ये film की story जो है बहुत ही मज़ेदार थी, और इसके जो director जिन्होंने पूरा किया था, sadly he is not with us, और उनके जाने के बाद जैसे normally film बिखरती है और बड़ा मुश्किल काम होता है उसको दोबारा इकट्ठी करके करना, और वो काम अनीश ने किया है, विच वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। एडिटिंग तक भी इन्होंने किया है, और सारा पूरा करके आज जो हम ये देख पा रहे हैं, इट्स अ लवली स्टोरी। आई एम श्योर यू गोना एंजॉय। सो मैं उसमें से कोई सीक्रेट आउट नहीं करना चाह रही हूँ, सो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। इन फैक्ट इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लेडी who belonged to the institution of तवायफ्स। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने तवायफ्स को, हमारे यहाँ तवायफ जो थी वो प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं होती थी, और वो एक बल्कि सलीका सिखाती थी, गाना सिखाती थी, वो था उनका गुरु वाला। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके वही रेड लाइट एरिया बना के उनको निकाल दिया, कर दिया, तो उस वक्त वो बहुत बिखर गई थी, जैसे बाकी सारे आर्ट्स का हुआ था। तो उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं जिन्होंने सारी उम्र गाना और नाचना यही किया है, और सडनली उसको इतना डिग्रेड कर दिया गया है, आर्ट को नहीं है। सो ये उस फैमिली से है, और कैसे वो अपना डांस ट्रूप आज के ज़माने में चला रही है, और आज के ज़माने के क्या क्या चैलेंजेस उसको देखने पड़ रहे हैं, जबकि तरबियत उसकी जो है वो उस ज़माने में हुई थी। सो दैट इज़ द चैलेंजेस ऑफ दिस कैरेक्टर। MS धोनी बहुत बड़े स्केल का वो था, और आप जानते हैं उसमें एक कॉम्बिनेशन जो हो गया था, क्रिकेट एंड फिल्म। इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म मेड ऑन अ वेरी फेमस कैरेक्टर। आज भी मुझे एक मिले, जितने लोग मिलते हैं धोनी के बारे में वो सब कहते हैं मैंने 20 बार देखी, 25 बार, क्योंकि जो क्रिकेट के फैन हैं वो भी देखते हैं, और फिल्म बहुत बढ़िया बनी थी उसलिए भी देखते हैं। सो येस, इट्स अ